नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 Ambiance Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambiance Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियां की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशन, उमदा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं अपनी बेटी को जो पढ़ा रही हूँ इसका श्रेय हमारे सांसद सर को जाता है। जितने भी लेडीज यहाँ पे बात की सबके अंदर में एक लीडरशिप क्वालिटी देख रहा हूँ कि हर कोई लीडर बनने का लायक है। मेरा खुद का एक फादर है जो मैं अच्छा रन कर लेती हूँ आज, और जो भी मैं हूँ आज सर के बदौलत ही हूँ। इसीलिए तो ये अवार्ड मिला है। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे तो वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है पूरी दुनिया में, मगर 8 मार्च को होली भी है। इसीलिए हमारे द्वीपों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राज शर्मा जी ने आज अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन 11 चरमा में सैकड़ों महिलाओं को उनके क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए उन्हें सम्मानित किया, तो वहीं महिलाओं ने भी उनके द्वारा दिए गए मदद तथा प्रोत्साहन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राज शर्मा जी को धन्यवाद किया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। हम चांद पे पहुंच गए, लेकिन हमारे समाज में आया, हमारे समाज को महिलाएं घरेलू ही चाहिए। अगर रात के समय वाला कोई जॉब हो तो महिलाएं घर के बाहर ना निकले, क्योंकि समाज में बहुत खतरा है। अब ये खतरा कौन पैदा करता है? ये खतरा हमारी मानसिकता पैदा करती है। ऐसा नहीं है कि खतरा समाज में मंडरा रहा है, हम महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी मानसिकता को सुधारेंगे तो समाज अपने आप परिवर्तित होगा और हम अपने आप से विकास करने लगेंगे। मैं बधाई देना चाहूंगी हमारे सांसद जी को कि इतने सारे कार्यक्रम वो चला रहे हैं। आपने हमें जो राह दिखाया उसमें हमने कदम बढ़ाया, अपनी कौशल को निखार कर, हमने उसे प्रखर बनाया, सदा रहें आभारी आपकी, आपने हमें नवल राह दिखाया, करें नमन हम सभी आपकी, हमें जो विश्वास दिखाया। यदि मैंने पेपर में एड देखा इस इंस्टीट्यूट के बारे में, फिर मैं यहाँ पे आई, सिर्फ 200 रुपए महीने का फीस में हमने कोर्स किया। ब्रिस्टन जंक्शन में हमारा खुद का पार्लर है और अच्छा मेरा पार्लर चल रहा है, मैंने वर्कर भी रखा हुआ है और मैं अच्छा रन कर लेती हूँ पार्लर को। करने के बाद सब सर की मेहरबानी है, सर की वजह से आज हम जिस मुकाम में पहुँचे हैं, हमारे सर की वजह से आज हम। तो
2014 में यहाँ पे फर्स्ट कोविड सर ने कोर्स ओपन किया था ब्यूटिशियन का, तो पहला बैच मेरा ही था। मेरा पार्लर का अभी 7-8 साल होने को आ गया है। पार्लर के इनकम से ही मेरा घर चलता है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और मेरा कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। मैंने अपना पार्लर ओपन किया तो मेरे समाज में एक पहचान बन है। ये सारा कुछ कुलदीप सर और एलिजाबेथ मैम मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फैमिली बहुत सपोर्ट करे, तो इसलिए सर को बहुत बहुत थैंक्स। मैंने 2017 से यहाँ पे कोर्स को कंप्लीट किया था 1 ईयर्स का। उसके बाद मैंने 2018 में अपना खुद का पार्लर खोला बातू बस्ती में। तो इससे पहले मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई इनकम नहीं था। मुझे किसी ने, मेरे फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे आपको बहुत कम पेमेंट में आपको 1 ईयर्स का पूरा कोर्स मिल जाएगा। सर के थ्रू से मुझे खुद का कुछ करने को हो गया, मेरा खुद का पार्लर खुल गया। आज मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा मंथली इनकम 40-50,000 है। मैं 25 लाख रुपये चल रही हूँ। मेरे बच्चे की फीस मैं खुद पे कर रही हूँ। मुझे किसी के सामने कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपनी खुद की जरूरत पूरा करने के लिए किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि यहाँ नौकरी के लिए कोई मतलब इतना स्कोप नहीं है, तो पता चला कि यहाँ पर इस संस्थान में जो बच्चे हैं उनको सिखाया जाता है 2,500 रुपये सालाना। मेरा इनकम एक टीचर के एवरेज सैलरी के बराबर आ जाता है। और मैं अपनी बेटी को जो पढ़ा रही हूँ इसका श्रेय हमारे सांसद सर को जाता है, जिनकी बदौलत हम अपने बच्चों को, हम अपने घर को, हम अपने समाज को रोशन करते हैं, क्योंकि हमने यहीं से सीखा है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आज जो भी यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ हमारे सर के बदौलत, जो हमारा जो मेरा जो एक पहचान है वो सिर्फ एक सर के बदौलत में हुआ है। और मैं आज कॉन्फिडेंस के साथ में, और मैंने कि इतने इनकम जो है मेरा 40-50-60 तक मेरा इनकम सोर्स है, और मेरे पास आज दो तीन स्टाफ मेरे यहाँ काम करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर बधाई देना चाहूँगा। देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो 8 तारीख को है, 8 मार्च को है, पर हम लोगों ने आज 2 मार्च को इसको मनाया है। इसका कारण यह है कि 8 मार्च को होली है, और इस बार हम लोग का प्रयास ये है कि अक्सर जो वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो सिर्फ एक दिन करते हैं, तो मैं इस बार कोशिश ये कर रहा हूँ कि पूरा वीक, एक हफ्ता पूरा हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए आज पहला जो प्रोग्राम आज हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है, आज वाकई मुझे बहुत ही खुशी लग रहा है। देखिए हर वुमेन्स डे में मैं आपके सामने में आता हूँ, आपसे बात करता हूँ, कुछ ना कुछ अपना फीलिंग्स को शेयर करता हूँ, मगर वाकई यकीन मानिएगा आज का जो वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन जो मैं देख रहा था बैठ के, सचमुच दिल को ही छुआ है। क्योंकि जब जो सोच के साथ जब मैं शुरू इस प्रॉपर्टी यूनिट में आया था, तो उस समय यहाँ का परिस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सिर्फ 4 स्टाफ काम करते थे, सब कुछ टूटा फूटा था, स्टाफ 4 स्टाफ का सैलरी देने का पैसा नहीं था। उस समय इस यूनियन का चेयरमैन मैं बना और यहाँ पे आया, एक बड़ा सोच के साथ में आया था कि अंडमान निकोबार का समाज के लिए, खासतौर पे महिलाओं के लिए कुछ करना है, मगर साधन कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, सपोर्ट सिस्टम नहीं था, बट एक ही चीज मेरे पास में था, वो था हिम्मत था और एक विजन था कि कुछ करना था। जब जर्नी स्टार्ट किया था तब एक दिल में सोच था कि जो काम हम करेंगे उसका किसी न किसी को उसका फायदा होना चाहिए, और आज हमारे काफी बहनों ने यहाँ पे अपना बात को रखा, और वे जब वो बोल रहे थे कि 40,000, 50,000, 60,000 उनका इनकम है, तो वो मेरे दिल में फीलिंग आ रहा था कि जो मेरा सोच था आज जाके मेरा सोच पूरा हुआ है। आज पूरा अंडमान निकोबार के अंदर में मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे जो स्टाफ बहुत अच्छे स्टाफ है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आज 2012 से लेकर आज तक का करीब करीब 10 साल का जर्नी जो हम लोगों ने कवर किया, इस 10 साल के अंदर में 3,800 से भी ज्यादा हमारी जो लेडीज है, कैमल में से डिग्री पुर तक का हम लोगों ने उनको टेलरिंग एंड फैशन डिजाइन का कोर्स करवाया। 1,200 से ज्यादा 1,200 से ज्यादा हम लोगों ने लेडीज को, ये भी पूरे अंडमान निकोबार के अंदर में हम लोगों ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया।
1000 से भी ज्यादा more than 1000 कंप्यूटर का कोर्स हम लोगों ने कराया। और सबसे बड़ा बात जो यहाँ पे है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो बेस्ट चीज है वो चीज हम यहाँ पे देने का कोशिश करते हैं। तो मेरा देखिए आप सबसे यही पिछली प्रार्थना है कि देखिए अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन आपके सामने है, आप लोग इसका जितना आपको फायदा उठाना है आप लोग प्लीज इसका फायदा उठाइएगा। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं और भी कुछ ऐसा कोर्स, नया कोर्स जो आपको जरूरत है, आप लोग चाहते हैं कि वो चीज आपको नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरीके का कोर्स हो तो आप लोग हम लोग को बताइएगा, हम लोग जरूर वो कोर्स भी आप लोग के लिए स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं रत्ना मैडम मुझसे बात कर रही थी, यहाँ पे एक बात बोल रही थी कि आप सब कुछ सिखाता है, गाना नहीं सिखाता, गाना सिखाना चाहिए। तो बोला गाना सिखाने के लिए आज तक कोई डिमांड तो रखा नहीं, अगर गाना सिखाने का डिमांड कभी आएगा तो वो भी हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो कोई भी तरह का ट्रेनिंग अगर आप लोगों को जरूरत है आप लोग बताइएगा, हम लोग जरूर उसके ऊपर में काम करेंगे। जितने भी लेडीज यहाँ पे बात की सबके अंदर में एक लीडरशिप क्वालिटी देख रहा हूँ कि हर कोई लीडर बनने का लायक है। हम लोगों ने अपना बात को, अपना जो आपका सोच था दिल में था बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने रखा, तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना बधाई कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने बात को रखा। और ज्यादा समय में नहीं लेना चाहूंगा, एक बार पुनः आप सबको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारा अंडमान निकोबार जो जजीरा है वहाँ का बेटा, आपका भाई, आपका बेटा जो अवार्ड लिया है सांसद रतन, हाँ वो अवार्ड का हम खुशी मनाने के लिए आज उसकी इज्जत अफजाई करते हैं। आपको हम इज्जत दिए हैं और इज्जत देते रहेंगे। आज सुनीता शर्मा जी ने पहला महिला दिवस आप सबको इकट्ठा करके यहाँ में किया है, ये बड़ी फखर की बात है। महिलाओं का इज्जत करना, महिलाओं को इज्जत देना, वो आदमी हमेशा बढ़ता है, आगे बढ़ता है। और कुलदीप राय शर्मा बढ़ते थे, बढ़ते हैं और बढ़ते रहेंगे। उनका छोटा में उनका नाम मुन्ना राजा था, उनकी दादी उनका नाम रखी थी। हर माँ अपने बच्चे को राजा बेटा या रानी बेटी क्या करके बुलाते हैं। आज हमारे बीच बैठा हुआ ऐसा महान एमपी जो हर एक के बात सुनता है, हर एक का दुख तकलीफ को देखता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है, आज छोटा सा जजीरा है जरूर, मगर उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके वहाँ एक एक समस्या रखता है यहाँ के लोगों का, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो किसान हो, इस आइलैंड का बात हमेशा रख करके उसको उठाता है, इसीलिए तो ये अवार्ड मिला है। एक चीज जरूर बोलूंगी, महिलाओं का लगाव, प्रेम, प्यार आपका अपना बेटा का तरह आपके साथ है और साथ रहेगा। ये रिश्ता, ये नाता कभी टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, हमेशा आपका साथ था, आपका साथ है और आपका साथ रहेगा। इस जजीरा में, इस धरती में पैदा हुआ वाला बच्चा आप सबके साथ है। मैं आखिरी में आपका धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू सो मच सभी जन। चलिए अभी हम हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से बात करते हैं कि वुमेन्स डे पर महिलाओं को क्या संदेश देना है। सर दो शब्दों में कृपया हमारे जो अंडमान की जो महिलाएं उनको एक संदेश दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर सभी हमारे द्वीप समूह की जो महिलाएं हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और यही उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि अपने आप को सक्षम बनाएं और किसी से अपने आप को कम नहीं समझें, खुद अपना इनकम जनरेट करें और जीवन को जिस तरीके से चाहते हैं वो उस तरीके से जिए। बहुत बढ़िया संदेश सांसद जी। साथ ही हम ये आपको ये इस बात की भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज जो इतनी सारी महिलाओं के बीच में जो मीटिंग हुई आपका भी बहुत श्रेय है, उनके जो कामकाज को लेकर जितनी आपकी आपकी तरफ से सहायता मिली है उन लोगों की, वो लोग रोज़गार पा सके हैं और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ सके हैं, उन सब के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। इसी तरह आपका सहयोग रहे तो हमारी महिलाओं के लिए आगे भी फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। आज
कि पूरी हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड की महिलाओं को महिला जो शुभकामनाएं देती है। हमारे जेंट्स जो है वो हमारे पीछे है, हम लोग उनके बिना कोई काम नहीं करते। पूरे देश हमारे महिलाओं का कोई भी काम में आगे बढ़ने हमेशा हर एक काम के लिए वो आगे बढ़ा रहे। और मैं ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करके अपने अपने कामों के लिए आगे बढ़ने के लिए इसके साथ अपने वक्तव्य समाप्त करते हैं। चलिए अभी हम जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला कुमारी मैम से दो शब्द सुनते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि आज एक हफ्ता हम लोग ये वुमेंस डे को मना रहे हैं। आज यहाँ अच्छा लगा आकर, मैं पहली बार आई हूँ वुमेंस डे का दिन, यहाँ आए काफ़ी महिलाओं की बातें सुनी, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे महिला आज बहुत आगे जा रही है। हम महिलाओं को ही आगे आना है। आज मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतना सारा स्कीम चलाए हैं, वो जानते हैं एक महिला अगर घर चला सकती है तो वो देश को भी चला सकती है, अपना गांव को भी आगे बढ़ा सकती है। अगर महिलाएं एरोप्लेन चला सकती है, फौज में भर्ती हो सकती है, तो महिला कहां से कमज़ोर है। ये लोगों का सोच है कि महिला कमज़ोर है, लेकिन मैं कहती हूँ महिला पुरुषों से भी ताकतवर है। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आज कॉपर्टी यूनियन की तरफ से हमारे सांसद के सानिध्य में आज जो महिलाओं का जो प्रोग्राम यहाँ पे किया गया वो काबिले तारीफ़ है। क्योंकि आज के समय में, क्योंकि ऐसे ही लोगों के पास समय नहीं रहता, लेकिन हमारे सांसद जी का जो विज़न है, जो उनका सोच है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो उसकी तरफ एक पहल है। मैं सांसद जी का तहे दिल से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज महिलाओं के बीच उन्होंने एक अपना उदाहरण पेश किया और हमारे द्वीप को प्रगति की राह पर ले जाने का जो यत्न किया, उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जुबैदा मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी हम पुष्पांजलि मैम से भी जानते हैं कि उन्हें क्या संदेश देना है। पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आप महिला दिवस में ये कवरेज लेने के लिए आए हैं। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है, आपकी जो है वो फाइटर प्लेन चलाती है, आपने सुना। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि महिलाओं के बारे में बहुत सोचती हैं। मेरा खुद का एक फादर है जो मैं अच्छा रन कर लेती हूँ आज, और जो भी मैं हूँ आज सर के बदौलत ही हूँ। पुलिस सर की वजह से आज हम एक घर में थे, एक हाउसवाइफ थे, आज लेकिन अपना एक पहचान बनाए पाए हैं, तो सिर्फ हम सर के बदौलत। उसे ही कहना चाहूँगी हर महिलाओं को कि आप भी सामने आइए, अपने आप अपनी एक पहचान बनाइए। थैंक यू सो मच। और मैं 2018-19 में यहाँ से कोर्स करी, उसके बाद मैंने अपना खुद का पार्लर खोला और उससे मैं अपना खुद भी इंडिपेंडेंट हो गई, और उसके साथ ही साथ मैंने दो तीन लड़कियों को भी रोजगार दिया। कुंकुप्रिया शर्मा जी ने हम लोगों का साथ दिया, तभी हम ये मुकाम तक पहुँच पाए। नमस्कार, मेरा नाम सप्तमी है, मेरा संपूर्ण लेडीज ब्यूटी पार्लर है बाकी कैरी रोड में। सर हम लोगों ने बहुत मदद किया, अभी आगे बढ़ूंगी, बहुत प्रॉब्लम था लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। बेशक नारी कमजोर नहीं थी, बस नजरिया कमजोर था। इतिहास के पन्नों को भी अगर हम टटोले तो हजारों लेख मिल जाएंगे जहां नारी शक्ति का प्रदर्शन आपको मिल जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं हमारे द्वीपों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी को, जिन्होंने नारी के विकास के लिए उन्हें सहायता दी कि वे हमेशा आत्मनिर्भर बन सके। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।